You are most welcome in the world's famous channel Students Club of PSR Teacher. आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक डेफोडिल के यूनिट 9 वी के पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ की कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, देन क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑन ऑल बेल आइकन प्लीज प्रेस टू गेट माय ऑल न्यू अपडेट्स. शुरू करने से पहले एक बात, सबसे पहले इसके ए एक्सप्लोर द पोएम के क्वेश्चन आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बी व्हाट पावर, सी थिंक एंड स्पीक एंड डी थिंक एंड राइट. ये सारे कंटेंट जो वीडियो में सॉल्व किए गए हैं उन्हें अच्छे से ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसका नोट्स बनाइएगा और इसके बाद रिवीजन कीजिएगा तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी. तो ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं. ए एक्सप्लोर द पोयम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए. ए राइट एनी फोर थिंग्स दैट कैन काउज ट्रेम्बल इन योर लाइफ. कोई चार चीजें लिखिए जो आपके जीवन में आपको डरा सकती हैं. आंसर लाइटनिंग, स्ट्रॉन्ग विंड, थंडर एंड टोर्नेडो और फोर थिंग्स दैट कैन काउज ट्रेम्बल इन योर लाइफ. आकाशीय बिजली, तेज हवा यानी तूफान, मेघ गर्जन और बालू के बवंडर रूपी परेशानियां, ये चार चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमें डरा सकती हैं. बी हाउ कैन वी लीव द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम. हम अपने सपनों का जीवन कैसे जी सकते हैं, यानी भविष्य का वह जीवन जिसे हम जीने का सपना देखते हैं उसे कैसे जी सकते हैं. आंसर इफ वी टर्न आवर फियर्स इंटू फेथ देन वी कैन लीव द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम. अगर हम अपने डर को विश्वास में बदल लें तो हम अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं. सी व्हाट डज द फ्रेज लर्न टू सर्फ मीन. इस क्वेश्चन में ये जो फ्रेज है लर्न टू सर्फ, इसकी क्या मीनिंग है. आंसर Here the meaning of the phrase learn to surf is to fight with problems and adversities. यहां learn to surf मुहावरे का अर्थ समस्याओं और प्रतिकूलताओं यानी विपत्तियों से लड़ना है. D what lessons do you learn from the poem? इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है. Answer we learn lessons from the poem that we should fight with problems, fears and badness in our lives and never give up. हमें इस कविता से सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में समस्याओं, भय और बुराइयों से लड़ना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए. तो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस जिसके आंसर कंप्लीट हो गए. अब नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो चार चीजें आपसे पूछी गई हैं उसके लिए दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. वन इफ यू फेल इन द फाइनल एग्जाम, अगर आप फाइनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो क्या करोगे. ए स्टडी हार्ड, तो पढ़ाई में और मेहनत करोगे, या बी लीव स्टडीज, या पढ़ाई छोड़ दोगे. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्टडी हार्ड. आपको और मेहनत से स्टडी करनी होगी क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. अब आइए टू में, इफ वन लूजेज हिज लिम्ब इन द एक्सीडेंट, अगर दुर्घटना में कोई अपना अंग खो देता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा. ए लीव ऑन मर्सी, वो किसी के दया पर निर्भर रहेगा, या बी लीव ऑन हिज ऑन स्ट्रेंथ, या वो अपने बल पर जिंदा रहेगा. तो करेक्ट ऑप्शन है बी लीव ऑन हिज ऑन स्ट्रेंथ, क्योंकि अपने दम पर जीवन जीने का मजा ही कुछ और है ना. उसके बाद आइए थ्री में, इफ अ फार्मर्स क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड, अगर किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती है
तो वह फार्मर क्या करता है? ए कमिट सुसाइड, आत्महत्या करता है, या बी ग्रो न्यू क्रॉप्स, या फिर से नई फसल उगाता है। आंसर बी ग्रो न्यू क्रॉप्स, फिर से नई फसलें उगाता है, क्योंकि अगर वो किसान आत्महत्या करता तो उसे सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलता, और अगर फिर से नई फसलें उगाता है तो उसके नए जीवन का संचार होता है। नाउ कम इन क्वेश्चन नंबर 4। इफ योर डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आप क्या करोगे? ए यू विल पुट एफर्ट टू अचीव इट, आप इसे हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे, या बी यू विल बिकम वायलेंट एंड एजिटेट, आप हिंसक और उत्तेजित हो जाएंगे। एंड द राइट आंसर इज ए यू विल पुट एफर्ट टू अचीव इट, आप अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए प्रयास करेंगे, है ना? गुड। नाउ टर्न योर पेज। बी वर्ड पावर। इन द पोएम यू हैव रेड स्ट्रॉन्ग विंड, आपने पोएम में पढ़ा स्ट्रॉन्ग विंड। ही स्ट्रॉन्ग विंड इज अ ह्यूमन कैरेक्टर, यहां स्ट्रॉन्ग एक मनुष्य का गुण है, मानवीय गुण। विच हैज बीन गिवेन टू विंड, जो यहां इस पोएम में यह गुण विंड को दिया गया है। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, यानी जब किसी पोएट के द्वारा उसके पोएम में किसी निर्जीव वस्तु में मानवीय गुण प्रयोग किए जाते हैं तो उसे मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स आर, इसके कुछ उदाहरण हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उन लोगों के बगल में जो पानी की लहरें थी वो लहरें डांस की। यहां डांस पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि डांस आदमी करता है, वेव्स नहीं। सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखिए, माई फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर, मेरे फूल पानी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे। यहां बेगिंग पर्सोनिफिकेशन है, जो फ्लावर्स के लिए यूज किया गया है। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल देखिए, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, आकाशीय बिजली आसमान में नाची। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड पर्सोनिफिकेशन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहां देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट मेक्स द सेंटेंस एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। रिक्त स्थान की पूर्ति उस शब्द से करें जो वाक्यों को पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण बनाता है। वन द सन, फिल इन द ब्लैंक, डाउन ऑन द अर्थ। यहां ऑप्शन में 3 वर्ड्स हैं, ए स्माइल्ड, बी शोड, सी शोन। तो यहां आप लिखिए स्माइल्ड, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द अर्थ, सूरज धरती पर मुस्कुराया। यहां सूरज के लिए स्माइल्ड वर्ड पर्सोनिफिकेशन के रूप में यूज किया गया है। 2 द विंड बिकेम, फिल इन द ब्लैंक, एट नाइट। यहां 3 ऑप्शन है, ए क्लियर, बी फ्यूरियस, डी वेट। यहां मैं आपको पर्सोनिफिकेशन वर्ड चूज करने का एक सीधा उपाय बता देता हूं। इसमें देखिए, इन तीनों ऑप्शन में से इंसान में कौन सा गुण होता है, अगर पता है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहां होगा फ्यूरियस यानी क्रोध, द विंड बिकेम फ्यूरियस एट नाइट, हवा रात में क्रोधित हो गई यानी बहुत तेज हवा बहने लगी। सी यानी 3, द खाली स्थान मिरर शोड एवरी रिंकल्स ऑन हिज फेस, तो यहां हो जाएगा एंग्री, जो मानव का स्वभाव है।
The angry mirror showed every wrinkle on his face. गुस्से भरे आईने ने उसके चेहरे की हर शिकन दिखा दी। उसके बाद सी थिंक एंड स्पीक में आइए। इसमें लिखा है, यू हैव हर्ड अबाउट अ ट्रेजिक येट मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ सुधा चंद्रन। आपने सुधा चंद्रन की दुखद लेकिन प्रेरक कहानी के बारे में सुना होगा। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास टू मोटिवेट अदर्स। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें और दूसरों को प्रेरित करने के लिए इसे अपने क्लास में प्रस्तुत करें। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। इसके लिए आप अपने टीचर से मदद ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपकी मदद कर दूं। पहले ये देखिए सुधा चंद्र ने कुछ तस्वीरें। अब आंसर लिखिए। सुधा चंद्रन वॉज बोर्न ऑन 27 सितंबर 1965 इन केरला। शी डिड हर हायर एजुकेशन फ्रॉम मुंबई। सुधा चंद्रन का जन्म केरल में 27 सितंबर 1965 को हुआ था। इन्होंने मुंबई से उच्च शिक्षा प्राप्त की। शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम द एज ऑफ 3। 3 वर्ष की उम्र से ही यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास शुरू कर दी थी। एट द यंग एज शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड आर्टिस्ट ऑफ भरतनाट्यम। छोटी उम्र में ही इनकी पहचान भरतनाट्यम की एक अच्छी कलाकार के रूप में होने लगी। वंस एट द एज ऑफ 16 द बस इन विच She was sitting collided with a truck. एक बार 16 वर्ष की उम्र में ये जिस बस में बैठी थी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई थी। One of her legs was broken in it. उसमें इनका एक पैर की हड्डी टूट गई। And due to gangrene in her leg, it was amputated और इनके पैर में गैंग्रीन नामक संक्रमण होने से इनके पैर को काट दिया गया। नाउ शी वॉज हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ हर सर्कमस्टेंसेस। अब ये अपने हालातों के आगे बेबस थी। बट सुधा डिड नॉट लूज हर्ट। लेकिन सुधा जी हिम्मत नहीं हारी। शी डिसाइडेड टू टेक अप डांस अगेन। इन्होंने फिर से नृत्य को अपनाने का फैसला किया। वन डे व्हाइल लाइंग इन द हॉस्पिटल शी सॉ एन एडवर्टीजमेंट ऑफ मिरेकुलस फूड इन द न्यूज़पेपर। एक दिन अस्पताल में पड़े पड़े ये एक अखबार में चमत्कार पूर्ण पैर का एक विज्ञापन देखी। शी वॉज टेकन देयर। इन्हें वहां ले जाया गया। She had an operation there on her leg. वहां इनके पैर का ऑपरेशन हुआ। And she was put on prosthetic leg. और उनको कृत्रिम पैर लगा दिया गया। She started practicing dance every day with her help of artificial leg. ये नकली पैर की मदद से हर रोज डांस की प्रैक्टिस करने लगी। During this, she also used to have a lot of pain and sometimes blood started coming out of her feet. इस दौरान इन्हें बहुत दर्द भी होता था और कभी कभी इनके पैर से खून भी निकलने लगता था। But she did not stop practicing. लेकिन यह अभ्यास करना नहीं छोड़ी। Due to very hard practice and hard work, She was able to dance well. बहुत कठिन अभ्यास और मेहनत के चलते ये अच्छा नृत्य करने में सक्षम हो गई। Later, she became a popular dancer. बाद में वह एक लोकप्रिय डांसर बन गई। Stories of her popularity have been published in many newspapers and magazines. अनेक पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में इनकी लोकप्रियता की कहानियां छपी हैं। आफ्टर दिस शी गॉट अ
चांस टू वर्क इन मेनी फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स। इसके बाद इन्हें कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला। शी इज ऑल्सो बीन ऑनर्ड विथ मेनी अवार्ड्स। इन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। शी इंडीड एन एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड इज अ मोटिवेशनल फॉर ऑल ऑफ अस। यह वास्तव में महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है और हम सभी के लिए प्रेरणा है। सुधा चंद्रन के संघर्ष की कहानी इतनी ही नहीं है, इनके कठिनाइयों की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन आपके क्लास 8 के मुताबिक यह आंसर पर्याप्त है। अब आइए डी, थिंक एंड राइट में। यू हैव कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस वेयर यू फाउंड योर सेल्फ इन अ टफ पोजिशन टू हैंडल। आपने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है या किया होगा जहां आपने खुद को संभालने के लिए कठिन स्थिति में पाया है या पाया होगा। नरेट एनी सच इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ एंड डिस्क्राइब हाउ यू मैनेज टू ओवरकम द सिचुएशन। अपने जीवन की ऐसी किसी भी घटना के बारे में बताएं और वर्णन करें कि आपने इस स्थिति पर कैसे काबू पाया। तो आंसर लिखिए, दिस इज द स्टोरी ऑन दोज डेज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। यह उन दिनों की बात है जब मैं क्लास 6 का विद्यार्थी था। आई वाज गोइंग टू रामगढ़ फ्रॉम पटना बाय बस। मैं बस से पटना से रामगढ़ जा रहा था। अ मिडिल एज्ड मैन वाज सिटिंग इन द सीट नेक्स्ट टू मी। मेरे बगल की सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। फर्स्ट ही टॉक टू मी वेल, वह पहले मुझसे अच्छे से बात किया। ही आस्ट अबाउट मी, वह मेरा हाल समाचार पूछा। देन ही आस्ट मी टू गो टू रांची, फिर वह मुझसे रांची चलने के लिए कहा। बट आई रिफ्यूज्ड, लेकिन मैं इनकार कर दिया, मना कर दिया। बट ही केप्ट इंसिस्टिंग ऑन मी टू गो, लेकिन वह मुझसे चलने के लिए जिद करता रहा। एंड आई केप्ट डिनाइंग हिम एवरी टाइम, और मैं हर बार उसे मना करता रहा। व्हेन द बस रीच्ड रामगढ़ आई गॉट डाउन, जब बस रामगढ़ पहुंची तो मैं उतर गया। दैट मैन ऑल्सो गॉट डाउन, वह आदमी भी उतर गया। ही टूक मी असाइड, वह मुझे एक और ले गया। इट वॉज डार्क देयर, वहां अंधेरा था। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज आस्किंग मी फॉर द लास्ट टाइम वेदर आई वुड गो टू रांची और नॉट। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूं कि रांची चलोगे या नहीं। एज सुन एज आई सेड नो, मैं जो भी कहा नहीं। आई विल नॉट गो टू रांची, मैं रांची नहीं जाऊंगा। ही ब्लोड हॉट ऑन माई फेस, वह मेरे चेहरे पर एक जोरदार घूसा मारा। आई फेल डाउन, मैं गिर पड़ा। ही टूक आउट अ नाइफ टू किल मी, वह मुझे मारने के लिए चाकू निकाल लिया। बट आई एम नॉट स्केयर्ड, लेकिन मैं डरा नहीं। आई एक्टेड करेजियसली, मैं हिम्मत से काम लिया। आई स्टूड अप क्विकली, मैं तेजी से उठा। आई पिक्ड अप अ स्टोन लाइंग देयर ऑन द वे, मैं वही रास्ते पर पड़ा एक पत्थर उठाया। आई हिट हार्ड ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर जोर से मारा। द नाइफ फेल फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से चाकू गिर पड़ा। आई रैन फास्ट टुवर्ड्स हिम, मैं उसकी ओर तेजी से दौड़ा। आई किक्ड हार्ड अपवर्ड्स बिटवीन बोथ ऑफ हिज लेग्स, मैं उसके दोनों पैरों के बीच ऊपर की ओर जोर से किक मारा। ही स्क्रीम्ड आउट इन पेन, दर्द से उसकी चीख निकल गई। देन पेट्रोलिंग जीप केम फ्रॉम समवेयर, तभी कहीं से पेट्रोलिंग जीप आ गई। एंड द पेट्रोलिंग पुलिस स्काउटिंग एंड टूक हिम अवे,
और उसे पेट्रोलिंग पुलिस पकड़कर ले गई। लाइक दिस आई गॉट माई सेल्फ आउट ऑफ दैट बैड सिचुएशन। इस तरह उस बुरी परिस्थिति से मैं अपने आप को बाहर निकाला। वैसे यह सही घटना है, लेकिन तब मैं 9th क्लास में था और उस समय मैं मार्शल आर्ट भी सीखता था। जी हाँ, लेकिन मैं इस कहानी में लिखा हूं कि मैं क्लास 6 का स्टूडेंट था। वो इसलिए लिखा कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इस आंसर को सेम टू सेम लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसे अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अगर ज़्यादा सहयोग करना चाहते हैं तो थैंक्स बटन को प्रेस करके आप मेरा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।